जारी किया गया है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दो तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है और इसके लिए जरूरी है करप्शन मुक्त सिस्टम। पिछले डेढ़ साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करप्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो एक्शन हुआ इससे पहले जेल जाते हुए पहली बार देखा गया। नकल घोटाले में एक साथ 61 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, तो नकल मारकर पास हुए पुलिस के 20 दरोगाओं का भी एक साथ सस्पेंशन भी पहली बार नजर आया। सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि के लोग पारदर्शी शासन व्यवस्था चाहते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। डेढ़ साल में लिए गया एक्शन। आय से अधिक मामले में आईएएस रामविलास यादव सस्पेंड, आईएफएस जीएस सुहाग, किशन चंद्र भी हुए सस्पेंड। किशन चंद्र को बाद में जेल भेज दिया गया। सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर एक्शन। डीके सिंह, सुरेश पाल को किया गया सस्पेंड। पिटकुल के महाप्रबंधक प्रवीण टंडन सस्पेंड। उद्यान विभाग के डायरेक्टर हरमिंदर बवेजा सस्पेंड। अपर निदेशक उद्यान आर के सिंह भी सस्पेंड। अब रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्रा को भी सस्पेंड किया गया। टैक्स चोरी मामले में 3 अधिकारी हुए सस्पेंड। सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह, आयुक्त यशपाल सिंह सस्पेंड। संयुक्त आयुक्त वीपी सिंह को भी किया सस्पेंड। जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता हरदेव लाल सस्पेंड। ऊर्जा निगम के जूनियर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत सस्पेंड। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि को लोग हर प्रकार से स्वच्छ देवभूमि चाहते हैं, पारदर्शी देवभूमि चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए एक पारदर्शी शासन यहाँ पर हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, इसलिए जो भी शिकायतें आ रही हैं या जो भी संदेह के मामले हैं उन पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये सिर्फ चंद बड़े नाम हैं जिन पर एक्शन हुआ। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जद में आए सरकारी अधिकारियों की एक लंबी सूची है, यानी विकास के साथ साथ सिस्टम में भी सुधार जरूरी है। मुख्यमंत्री जी की जो एक इच्छा शक्ति है वो एक नया उत्तराखंड बनाने की है। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम 2025 तक उत्तराखंड का एक नया स्वरूप देंगे और ये उत्तराखंड देश का एक अग्रणी राज्य होगा। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर एसआईटी जांच, विजिलेंस की रेड और ट्रैप होने वाले घूसखोरों अधिकारियों की भी लंबी फेरिस्त है। अब प्रत्येक विभाग में एक अफसर को विजिलेंस का नोडल अफसर नियुक्त किए जाने से भी हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सेल्फी लेने के चक्कर में एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई। सहस्त्रधारा में सेल्फी लेते वक्त पानी के तेज बहाव की चपेट में एक लड़की आ गई थी और लड़की मुजफ्फरनगर से अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने के लिए आई थी। विकासनगर की शक्ति नहर में डूबने से लड़के की मौत हो गई है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने लड़के के शव को डकरानी पावर इंटेक्स से बरामद कर लिया है। लड़के की पहचान आदित्य वर्धन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार को खेलते वक्त लड़के की बॉल खो गई थी, जिसे आज ढूंढने गया था कि तभी तिकोना पार्क के पास फिसलने की वजह से लड़के का पैर फिसल गया और सीधे नहर में चला गया था, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। तीन साल से लोग टकटकी लगाकर रामनगर के जिस धनगढ़ी पुल के बनने का इंतजार कर रहे हैं, उस पुल के निर्माण में कई पेंच सामने आने से इसमें अब और वक्त लगना माना जा रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में जोड़ने वाला धनगढ़ी नाला कई लोगों की जिंदगी लील चुका है। रामनगर काशीपुर हाईवे पर पड़ने वाले इस नाले में शनिवार को यात्रियों से भरी एक बस पलट गई थी। 2020 में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर यहां पर 150 मीटर स्पान का पुल स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत 7 करोड़ आंकी गई थी। टारगेट था कि इसे दिसंबर 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन विभागों की सुस्त गति के कारण एक साल में पुल फाउंडेशन डालने से आगे नहीं बढ़ सका। ये नियति बन चुकी है रामनगर की, पता नहीं कहाँ पर मामला अटका पड़ा है,
कभी कहते हैं पुल की ऊंचाई बढ़ेगी, कभी कहते हैं कि इसका मार्च तक ये बीता हुआ मार्च में पूरा होना था, अभी भी नहीं हुआ है। अब इसमें नया पेंच फंस गया है। वन विभाग ने ये कहकर पुल का काम रुकवा दिया कि एलिफेंट कॉरिडोर पर बन रहे इस पुल की 3.5 मीटर की हाइट बहुत कम है, इसकी हाइट 6.5 मीटर की जाए। अप्रैल 2022 में 6.5 मीटर की हाइट के साथ इसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी मंजूरी मिल गई, क्योंकि उसकी हाइट उन्होंने 3.5 मीटर रखी थी और 3.5 मीटर हाइट में जानवरों के आने जाने पर बड़ी दिक्कतें होती, क्योंकि हाथी जा ही नहीं सकता था, तो उसी को लेके एक वार्तालाप था और अब उसकी हाइट बढ़ा दी गई है, मतलब काम प्रारंभ होने जा रहा है। यानी 2020 में जब पुल बनना शुरू हुआ तो NH ने न वन विभाग की राय ली और न वन विभाग ने कोई ऑब्जेक्शन किया। 2 साल बाद पुल निर्माण पर ऐतराज जताने के बाद अब NH डिपार्टमेंट इस पुल के डिजाइन को फिर से तैयार कर रहा है। अब पहले पुल का रीडिजाइन स्वीकृत होगा और फिर इसके हिसाब से नई लागत भी स्वीकृत करानी होगी, तब कहीं जाकर पुल का निर्माण शुरू हो पाएगा। रामनगर के गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से सुनील न प्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।